यस बच्चों, तो अब हम ये चैप्टर सेकंड विद्युत विभव तथा धारिता का परीक्षा बोध जो है उसका क्वेश्चन नंबर तीसरे को समझने की कोशिश करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में? तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता समान है और प्रत्येक पर जो धारिता है वो कितनी है? 4 माइक्रोफेरेड है। तो जब इनको हम ऐसा संयोजन बताना है, इनको ऐसा संयोजन करना है, मिश्रित संयोजन करना है कि उनको संयोजित करने पर कुल या तुल्य धारिता जो है वो कितने आए? 6 माइक्रोफेरेड। तो हमने इससे पहले ये जो डायग्राम मैंने अरेंज किया ये सेकंड अरेंजमेंट था जैसा कि आपने देखा है। लेकिन हमने पहले क्या करके देखा था? दो संधारित्र को हमने किसमें सीरीज में कनेक्ट किया था? नहीं, पहले दो को समांतर में किया था और एक को सीरीज में किया था। लेकिन उसमें हमारा आंसर 3/8 कुछ माइक्रोफेरेड आ रहा था जबकि ये आंसर नहीं था। तो फिर हमने क्या किया, इसको हल किया और दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा और उसके तीसरा जो संधारित्र है उसको समांतर क्रम में जोड़ा। तो हमने जब श्रेणी क्रम में जोड़ा तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला हमें पता ही है जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाई लिया था, 1/C1, C1+1/C2। तो ये आ जाएगा 2/2/4। तो सी सीरीज बराबर या सी श्रेणी क्रम कितना गया? 2 माइक्रोफेरेड। ये माइक्रोफेरेड में चल रहा है तो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद में ये देखा, इनको छोटा किया तो ये क्या हो गया? सीरीज बन गया। और ये तो चल ही रहा था 4 माइक्रोफेरेड, तो ये दोनों किसमें हो गए? समांतर में हो गए। दोनों किसमें हो गए? अब समांतर का फॉर्मूला लगाया तो समांतर का फॉर्मूला आता है सिंपल जोड़ना। तो C3+CS जोड़ा, C3 का मान कितना था? 4 माइक्रोफेरेड और सी सीरीज का कितना था? 2 माइक्रोफेरेड। 4 और 2 को जोड़ा तो कितना आ गया? क्या यही बताना था हमें? तो हमने इसको प्रूव कर दिया। थैंक यू।